नमस्कार, मैं हूँ शिखा श्रा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। सुबह में हमने आपको दिखाया था एक दिल दहलाने वाला खबर कि दिन दहाड़े रांची में एक लड़की एक लड़का का मर्डर, डबल मर्डर हो जाता है घर में घुसकर, जो कि बहुत ही दिल दहलाने वाला वारदात है। रांची जैसे शहर में एक अच्छे खासे सोसाइटी में दिन दहाड़े सुबह 4 बजे की लगभग ये घटना बताई जा रही है। अगर वहाँ पर ऐसे हरकतें होंगी तो फिर महिलाएँ या फिर बच्चे कहाँ सुरक्षित है। कहा जाता है घर जो है सबसे सेफ प्लेस है। और सबसे बड़ी बात है ये राज्य का जो प्रशासन है उस पर सवाल उठाता है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है। आप देख सकते, मैं चाहूंगी अपने सहयोगी दिखाने कि मैं फिलहाल पांड्रा थाना में मौजूद हूँ। पांड्रा थाना में बहुत हलचल देखने को मिल रही है, लोगों की भी। मैं चाहूंगी वो ओवरव्यू करके पूरे हलचल को दिखाए कि बहुत लोग इकट्ठा है यहाँ पे, लोगों का कुछ जमावड़ा है और इसमें से जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आरोपी के परिवार भी है और खासकर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मर्डर हुआ है, उनके रिश्तेदार भी है और कुछ लोग सपोर्टिव है, पुलिस स्टाफ है। ये सारे लोगों का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है। तो जैसा आपने देखा, हमने वारदात की सारी घटना बताई, इसके साथ ही सिटी एसपी अंशुमन कुमार ने भी जीएन भारत से खास बातचीत की। आइए सुनते उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, अभी तक हमने एक अक्यूज्ड को डिटेन किया है, उसके इन्वॉल्वमेंट पे हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एंगल के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होगा। हम लोग ना सिर्फ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बल्कि अभी जिस व्यक्ति को हमने उठाया है, जिसको पिक किया है, जिसका कि नाम जो मृतका है उसके परिवार वालों के द्वारा दिया गया है, उसके भी सारे क्रियाकलाप इत्यादि पे भी हम लोगों की जांच चलेगी और उसके बाद जो है हम लोग अपनी अंतिम कार्रवाई करेंगे। सर, परिजन कह रहे हैं कि 1 तारीख को उन्होंने बकायदा उसके खिलाफ शिकायत दी थी, जिसमें थाना स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो और सब सारा अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ अंडर कंसिडरेशन। सर, कितने लोग थे अभी तक, क्या कुछ आई? देखिए, जो महिला जिनका जिनका जो अभी बच गई हैं थैंकफुली, मतलब ये एक बहुत ही रिलीफ वाली बात है कि जो मदर थी वो बच गई हैं, उनका बयान लिया गया है। उनके द्वारा यह बताया गया है कि 3 व्यक्ति थे और उन्होंने उसका कुछ हुलिया भी बताया है, उस हुलिया के हिसाब से हम लोग आगे देखते हैं। सर, किस किस चीज़ से वार किया गया है? जो FIR किया गया है उसमें एक धारदार हथियार और पिस्टल की भी बात की गई है। जो महिला हैं मदर, वो बहुत कंफर्टेबली अभी बात नहीं कर पा रही थी, तो हम लोग उनका एक बार फिर से बयान लें ताकि हम लोग इस चीज़ को एस्टेब्लिश कर पाएँ कि किस किस चीज़ से हमला किया गया। सर, परिजन कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग जैसा कोई मामला नहीं था। देखिए, अब परिजन के वर्जन के बारे में हमको कुछ नहीं कहना है, ये उनका पुलिस का क्या है? देखिए, इतना जल्दी वो बोल देना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सही या गलत जो है थोड़ा सा समय लेके ही बोलेंगे। ठीक। अब एसपी साहब, प्रशासन पर भी, पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं, दिन दहाड़े जिस तरीके से क्राइम हुई है, इस पर क्या कहना? ये रात्रि 3 से 5 बजे की घटना है। जो यहाँ परिवार वाले हैं उनका यही कहना है कि लड़की जिससे बात करती थी रेगुलर, ठीक है, उसके द्वारा ये घटना कारित की गई, जो इन्होंने खुद बोला, ठीक है। तो ऐसे में इसको हम लोग एक अलग प्रकार के अपराध के रूप में जानते हैं, ये कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसा मामला नहीं है, ये क्राइम ऑफ पैशन हम लोग कहते हैं, ठीक है, जो कि किसी के द्वारा कभी भी किया जा सकता है। कभी अगर भाई के द्वारा भाई की हत्या कर दी जाए, ठीक है ना, या किसी अन्य के द्वारा हत्या कर दी जाए, तो वो क्राइम जो है ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में नहीं माना जाता है, ठीक है। सर, लास्ट क्वेश्चन है, आए कैसे गए कैसे, ये कुछ जानकारी मिली? देखिए, वो एस्टैब्लिश हम लोग लगभग करने की स्थिति में आ गए हैं, जैसे होगा बता दें। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि अभी तक जो अपडेट हमने सुबह में आपको खबर दिखाया था, संजय सेठ और सीपी सिंह वारदात पर पहुंचे थे। अब जो खबरें लेटेस्ट आ रही है, लेटेस्ट अपडेट हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं कि अभी तक एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है, वो एक आरोपी से अंदर पूछताछ चल रही है। उनकी माता जी भी यहाँ उपस्थित है, जिससे हमने जीएन भारत में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ कहने को है ही नहीं, वो जबरदस्ती नाम ले रहे, मेरा बेटा 18 साल का है, उसने कुछ नहीं किया है, कुछ बोलने लायक है नहीं, तो हम बोले क्यों? उन्होंने साफ ऑन कैमरा बात करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही हमने उनसे कुछ और सवाल पूछना चाहे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बेकसूर है। खैर, बेकसूर है क्या है वो तो पुलिस का काम है, जो उनसे लगातार पूछताछ करी। सिटी एसी अंशुमन जो है वो भी अंदर मौजूद है, पूछताछ कर रहे हैं। और इसके साथ ही ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, अभी गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ एक आरोपी की ही हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ये तो हो गई अपडेट और ये हो गई वारदात की घटना का इन्फॉर्मेशन, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि रांची जैसे शहर में, रांची जैसे हाई सोसाइटी में दिन दहाड़े कोई घुसता है आपके घर में और आपका मर्डर करके निकल जाता है, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला, दिल दहलाने वाला, बहुत बड़ा, ये एक तरह से सोचिए प्रलय है। जी हाँ,
ये प्रलय, आप ये सोचिए पूरे झारखंड को नहीं लिया, एक फैमिली के लिए और पूरे सोसाइटी के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रलय है, क्योंकि कल हमारे साथ भी हो सकता है। अगर वो लड़की सुरक्षित नहीं है तो हम भी सुरक्षित नहीं है। मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूँ मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री जी अगर आप हमारा चैनल देख सकते हैं तो कान खोल कर ये बात सुन लीजिए, क्योंकि अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो आप भी सुरक्षित नहीं हैं। बार बार आपको मौका मिलता है मुख्यमंत्री बनने का और बार बार जनता, एक एक जनता का खून पसीना का वोट के दम पर आप वहाँ पे बैठे हुए हैं और बार बार ये मौका आपको नहीं मिलेगा। इस बार जो 5 साल का मौका मिला है, इस कीमत को शायद आप पहचान नहीं रहे हैं, क्योंकि एक महिला का इज्जत की क्या कीमत होती है। आपको शायद अगले इलेक्शन में ये जनता अगर आपको बैठा सकती है तो जनता आपको वहाँ से नीचे उतार भी सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री साहब आपको ये समझना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर, आप जो आँख और नाक कान सब गुंगा बहरा बन के जो बैठे हुए हैं प्रशासन में, पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो ध्वस्त हो चुका है उसको आपको ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता अगर जाग गई तो आपके लिए सोना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी जो आप नींद से सो रहे, अभी टाइम रहते ही अगर आप जाग जाइए तो बहुत अच्छा होगा। धज्जी उड़ा के रखिए लॉ एंड ऑर्डर की। झारखंड में दिन दहाड़े कोई घुसता है और मार के निकल जाता है, और अभी आपको बता दें 12 घंटे हो गए लेकिन अभी तक केवल एक गिरफ्तारी हुई है। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी कैसे पॉसिबल है? सिर्फ एक गिरफ्तारी, जब 3 से 4 लोग इन्वॉल्व थे और उनकी माँ जो रिम्स में एडमिट है उनका भी जीने वेंटिलेटर पर है, और ऐसा डॉक्टर कह रहे कि जो बचने का चांसेस है वो बहुत कम है। ये बहुत दर्दनाक, आपको बता दें पूरे सोसाइटी से हम लोगों ने बात की, वो पूरे सकते में है। उस मोहल्ले के किसी लोगों ने खाना तक नहीं बनाया है आज। आप समझते, बच्चों को ट्यूशन नहीं भेज रहे, बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, बच्चों को बच्चों को खेलने के लिए बाहर नहीं, पूरा गली जो है वो सुनसान पड़ा है। आखिर आज उस सोसाइटी में हुआ है, कल हो सकता है हमारे साथ भी हो सकता है, कल हो सकता है वो आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये कोई वे बहुत नॉर्मल घटना है जो किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कोई विशेष के साथ हुआ है, कोई विशेष, ये बहुत नॉर्मल बात था। आपको बता दें ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो लड़का था, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, ये जो लड़का था ये बार बार लड़की को परेशान किया करता था और उनकी माँ ने कई बार FIR भी कराई थी पुलिस को। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि बार बार FIR भी कराई थी और कहा था कि इस लड़के से मेरी बेटी को खतरा है, धमकी देता है कि तू मेरे प्रपोजल को, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इस बात को अपना लो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, चोरी कर लूंगा, इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन अगर ये होती थी तो प्रशासन पे पुलिस पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वो इसको सीरियसली क्यों नहीं ली। आखिर एक माँ आती है, गुहार लगाती है, प्रशासन की ही गलती है कि छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करती है, वही छोटी 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 चीज़ मिलकर एक दिन इतना बड़ा रूप ले लेती है जिसे संभालना पूरे प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाता है और पूरे राज्य पे एक सवालिया निशान उठ जाता है जो कि बेहद शर्मनाक है। इसीलिए हेमंत सोरेन, स्पेशली CM हेमंत सोरेन को चाहिए कि अब जाग जाने, क्योंकि अगर वो नहीं जागते हैं तो आने वाले दिन में उनका इतना बुरा समय होगा शायद उनको दोबारा सत्ता में आने के लिए अगला जन्म भी लेना पड़ सकता है। हम लगातार पांडरा OP से आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहे, आप बने GN भारत के साथ, सबसे पहले GN भारत आपको अपडेट पहुंचाएगा। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।